सब्सक्राइब कीजिए माई टॉक के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपलोड सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौनिक प्रशांत और आप देख रहे हैं माई टॉक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi के MI21 की, जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया गया है। इस फोन के बारे में हम आज बात करेंगे और अनबॉक्स करेंगे इस फोन को। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में, जो कुछ डिफरेंस किया है इस बार Xiaomi ने इस फोन के साथ। इसमें आपको MIUI जो होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन को बनाने के लिए MI ने कोलैबोरेट किया है एंड्रॉइड के साथ, और इसमें जो आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा ये आपको एंड्रॉइड का जो मतलब स्टॉक वर्जन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू आप बहुत लोगों को MI का जो UI था वो पसंद नहीं था, जो देखने में मतलब बोरिंग टाइप का बोल तो सकता था सैमसंग वगैरह सभी तरह, ये आपको देखने में इंटरफेस उसका उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस फोन में आपको जो इंटरफेस मिलेगा उसको टोटली गूगल ने डिजाइन किया है। इसमें आपको जो कुछ चेंजिंग मिलेगा वो सिर्फ उसके जो MI मतलब MI रिमोट आई प्लस के लिए जो एप्लीकेशन आते हैं या कुछ पर्सनल दो तीन एप्लीकेशन को छोड़ के आपको कुछ भी इसमें MI का देखने को नहीं मिलेगा। इसमें टोटली आपको जो मिलेगा वो एंड्रॉइड 1 मिलेगा, जिसके चलते आपका जो अपडेट मिलेगा उसका जो सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, जो पैचअप आता है, ये भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। बहुत जल्दी, जैसे अभी तो वो नुगट फोन है, लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड ऑडियो ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा आपको उस फोन में एंड्रॉइड ऑडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन सब बात को करने से पहले हम देख लेते हैं इस फोन के क्विक स्पेक्स को, और उसके बाद हम फोन करते हैं। फोन को अनबॉक्स करने से पहले पहले हम देख लेते हैं फोन में क्या क्या चीजें फोन में आपको प्रिंट देखने को मिल जाएगा। इस साइड अगर देखें तो MI21 एंड्रॉइड 1 के साथ जो इसका कोलैबोरेशन है, इसके लिए यहाँ पे एंड्रॉइड 1 भी प्रिंटेड है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसमें जो आपको मैं यहाँ देख सकता हूँ, मैं इस बॉक्स को क्विकली अनबॉक्स कर चुका, जैसे देख सकते हैं। चलिए इसको सील को हम ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं कि डिवाइस में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं आप बैक में अगर ये आप देखें तो काफ़ी अच्छा है, और इलेक्ट्रिक टूल के साथ साथ क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी ये भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। आपको जो चार्जर मिलेगा इसमें, सो रेगुलर चार्जर, कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। मैं इसके कवर्स को रैपअप से हटा देता हूँ, और आप मतलब बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये फोन काफ़ी आपको खूबसूरत देखने में लगेगा। ऊपर में बात करें अगर हमें जैसे आईआर ब्लास्टर दिया गया है यहाँ पे आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके नीचे की बात करते हैं, स्पीकर ग्रिल दिया गया है जिसमें सिंगल स्पीकर इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, एक 3.5 mm जैक मिलेगा और एक USB। अगर इसके लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की एंड पावर ऑन ऑफ की मिल जाएगा, और राइट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगा। बैक में 2 कैमरा दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर भी, और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको भी क्लियर नहीं दिया गया है, ड्यूअल फ्लैशेस में दिया गया है इस फोन में। और इस काफ़ी फोन सिमिलियर है आपको आईफोन 7 से, देख सकते हैं आपका यूजर इंटरफेस इस फोन का है वो काफ़ी डिफरेंस है। और फोन में डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा आपको इस मतलब फुल एचडी होने के बाद भी डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी ही बेहतर है, देख भी सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। देख लेते हैं इसके अबाउट फोन में क्या क्या एंड्रॉइड वर्जन है इसका। देख सकते हैं आप जैसे कि मॉडल MIUI 1 और एंड्रॉइड वर्जन जो इसका है 7.1.2 दिया गया है। जनरली जो फोन में एंड्रॉइड वर्जन होते हैं 7.1.1 होता है नुगट का, और ये बहुत जल्द फोन ऑडियो में अपग्रेड हो जाएगा चूंकि एंड्रॉइड 1 के साथ कोलैबोरेशन है, और ये फोन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा अपडेटेड एंड्रॉइड ऑडियो में। तो ये था फोन का टेक्निकली चीज, आप देख सकते हैं फोन काफी देखने में आपको खूबसूरत है। दोस्तों आई होप कि आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया हो और आपने ये कंसीडर कर लिया होगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को मतलब मैं ये इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन आपको काफी अच्छा है। फील की बात करें तो मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ, आपको इस फोन में अच्छी फील मिलेगी। आपको अगर आप यूज करते हैं आपको कैरी करने में अच्छा फील मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो के लिए फोन पर जैसे 2 कैमरा दिया गया है, रियर 2 कैमरा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो में लेते हैं अगर आपका जो कैमरा है वो स्टेबल मूवमेंट पे नहीं है, देन आपको इसमें थोड़ा सा मतलब चूंकि इमेजेस का रजिस्टर आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ये लग सकता है। चूंकि डुअल कैमरा था फोन की, फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी आनी चाहिए था, जो आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन काफी आपको अच्छा मिल जाएगा, चूंकि मैंने इसे यूज किया है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको ये फोन इस बजट में अगर आप लेते हैं लुक वाइज अगर देखें तो ये आपको आईफोन 7 से काफी सिमिलियर है। तो आप लुक में इसमें कोई कर नहीं सकते हैं, बिल्ड एंड डिजाइन में आपसे किसी भी तरह से बीट नहीं कर सकते हैं फोन के साथ इस रेंज में। लेकिन हाँ, कैमरा में अगर इमेजेस का रजिस्टर होती तो और ये बेहतर हो सकता था। तो इन सब चीजों को कंसिडर करके आप इस फोन को ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।